बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। एक लेटेस्ट अपडेट पीपीएससी की जानब से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट जॉब्स के वाले से एक तो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी आंसर करने हैं। तो गाइस सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के रिटन टेस्ट के वाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 26 और 27 को पीपीएससी कुछ डिपार्टमेंट्स की पोस्टों का टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा था, जिनमें गाइस लेबर डिपार्टमेंट, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसके अलावा फर्दर और भी डिपार्टमेंट मीन की मुख्तलिफ पोस्टें थी, तो गाइस उनके 26 और 27 को पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा था। तो गाइज आज की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग गाइज पीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, गाइज मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो गाइज ये इनका ऑफिशियली मीन के नोटिफिकेशन है जो पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। ये आप मीन के यहां से आकर मीन के इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो गाइज फाइनली 26 और 27 को जिन पोस्टों के टेस्ट होने जा रहे थे ना पीपीएससी मीन के कंडक्ट करने जा रहा था, तो गाइज उनके टेस्ट मौखर कर दिए गए हैं। तो फ्रेश जो डेट है ना वो मीन के फिलहाल अभी तो कोई नहीं, बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, लेकिन गाइज फिलहाल जो टेस्ट है ना 26 और 27 को वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। बाकी गाइज आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ही मीन के एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि उसी वजह से ये मौखर किए गए हैं। बाकी हो सकता है कि इसके अलावा कोई पीपीएससी की अपनी मजबूरी हो या कोई भी मीन के सीनों सा, लेकिन गाइज जो बजाह नजर आ रहा है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी कुछ पोस्टों के टेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए हैं मीन के असिस्टेंट डायरेक्टर सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के। तो इसी तरह पीपीएससी ने भी अपने टेस्ट पोस्टपोन कर दिए हैं पाकिस्तान की मौजूदा हालात को देखते हुए। फर्दर आप लोगों का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड डिपार्टमेंट जॉब्स के वाले से कि सर हमें टेस्ट डेट बता दें फूड डिपार्टमेंट का कब टेस्ट होगा। गई जैसा कि मैं आपको रिसेंटली लास्ट वीडियो में जो लेटेस्ट अपडेट शेयर की थी उसमें भी आप लोगों के साथ बता चुका हूँ, गई ये जो 26 और 27 को पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट कर रहा था ना, गई ये 13 और 14 को इनके टेस्ट होने जा रहे थे, लेकिन गई यही टेस्ट भी 26 और 27 को पोस्टपोन कर दिए गए। इनमें आप लोगों के फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट नहीं शामिल थे। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझे ये भी कह रहे थे सर रोल नंबर स्लिप को हमने कैसे डाउनलोड करना है, मेरे एक दोस्त ने मीन के रोल नंबर स्लिप भी मीन के वो जो एडमिशन लेटर जिसे कहते हैं वो डाउनलोड किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के वीडियो पर कमेंट्स भी आ रहे थे। तो गई एक चीज़ नोट कीजिएगा, अभी तक आपका कोई भी मीन के रिटर्न टेस्ट के वाले से कोई भी रोल नंबर किसी भी कैंडिडेट्स की नहीं जनरेट हुई, क्योंकि आपका प्लानर ही नहीं अपडेट हुआ। मैंने आपको रिसेंटली लास्ट वीडियो में ये बात बता भी चुका हूं, जिनके होने हैं गाइज वो 26 और 27 को वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ये भी कहा था कि 26 और 27 को जो नया प्लानर अपडेट होगा ना उसमें आप लोगों के फूड डिपार्टमेंट जॉब्स के टेस्ट शामिल होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है रिसेंटली लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ये तो मीन के 26 और 27 को जिनके होने थे अब ये भी मीन के मौखर कर दिए गए हैं। अब हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनको कंडक्ट किया जाए या हो सकता है कि मिड में किया जाए, लेकिन गाइज फूड डिपार्टमेंट के जो टेस्ट है ना वो दिसंबर के लास्ट मीन के मंथ तक शिफ्ट कर दिए गए। हो सकता है कि जनवरी में ही मीन के शिफ्ट हो जाए, लेकिन गाइज मौजूदा कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के टेस्ट को मौखर कर दिया गया है, वो पीपीएससी ने भी आज कर दिया है। तो बाकी आप जस्ट प्रेपरेशन पर फोकस रखें, इंशाल्लाह टेस्ट जरूर होंगे, आपको ज़्यादा मीन के कंफ्यूज या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द टेस्ट होंगे, टाइम आपके पास बहुत कम है, सिलेबस आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा लेंथी पीपीएससी का सिलेबस होता है। तो आप जस्ट अपनी प्रेपरेशन पर फोकस रखें इंशाल्लाह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पर लेक्चर्स की प्ले लिस्ट का आगाज़ किया हुआ है, एमसीक्यू जो वीडियो मैं थोड़ी सी कम अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं सर आप एमसीक्यूज क्यों नहीं अपलोड कर रहे। गाइस देखें एमसीक्यूज तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर चुका हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा, लेकिन गाइस लेक्चर्स मैंने आप लोगों को रीजन बताई थी कि लेक्चर्स को क्यों स्टार्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह लेक्चर्स के साथ साथ वैसे एमसीक्यूज को भी कंटिन्यू रखना है। वो थोड़ी सी ब्रेक इसलिए लगाई है ना, आप लोगों को पता है कि लेक्चर्स को मीन के वो स्लाइड्स बनाने में फिर उसको मीन के वीडियो रिकॉर्ड करने में एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने वो एमसीक्यूज वाली जो स्लाइड है ना उसको थोड़ा सा मीन के ब्रेक लगाई हुई थी। इंशाल्लाह फर्दर वो भी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लेक्चर्स भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेपरेट सेपरेट हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह गाइज जब हमारी रोल नंबर स्लिप मीन के नोटिफिकेशन आ जाएंगे ना पीपीएससी अपना फूड डिपार्टमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट देगा, तो गाइज फिर मैं आप लोगों के साथ हर सब्जेक्ट के गाइज 300 हर सब्जेक्ट को लाइक कंप्यूटर के हम 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वो आपको लास्ट पर शेयर करूंगा। साथ साथ ये तो चलते ही रहेंगे ना मीन के, जैसे 50 50 100 100 ये तो चलेंगे, लेकिन गाइज जब आपकी रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाएगी ना तो फिर गाइज हम 200 200 हर सब्जेक्ट के वो भी आप लोगों को एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल के तो बस से वो भी शेयर करूंगा। ठीक हो गया, लाइक जैसे मैंने आपको कहा कंप्यूटर के सेपरेट, जियोग्राफी के सेपरेट, इसी के तरह जनरल नॉलेज के सेपरेट, इंग्लिश के जो जैसा कि पार्ट आ जाता है प्रेपोजिशन आ जाता है टेंसीज आ जाती हैं। ठीक है,
सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का पार्ट आ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स आ जाती हैं, इसकी मैं सेपरेट सेपरेट मीन के वो भी आपको एग्जाम से पहले इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो साथ साथ इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, वो तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ एज इट इज़ वो भी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 200-200 MCQs पर मुझमें ठीक हो गया। तो गाइस आखिर पर यही कि आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर अच्छे से मीन के डेली अपनी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क भी लाजमी करना है जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ है, ठीक हो गया। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।